भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभिनेत्री का नाम है रिंकू घोष। और रिंकू घोष कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आई ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, उनके हस्बैंड के बारे में। काफी कम लोग जानते हैं कि रिंकू घोष ने लव कम अरेंज मैरिज की है। आपको बता दें कि उनके हस्बैंड उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके हस्बैंड अमित दत्ता रॉय इनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रहे हैं। और कहीं ना कहीं बचपन से ही ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये बचपन की मोहब्बत कब बड़े होकर प्यार में बदल गई और प्यार कब शादी में, इसके लिए इन दोनों को काफी वेट करना पड़ा। क्योंकि जब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, तभी रिंकू का करियर परवान चढ़ने लगा। और रिंकू नहीं चाहती थी कि अपने करियर के इतने सफल मुकाम पर जाकर वो शादी करे। तब रिंकू के हस्बैंड अमित ने उसने सजेस्ट किया कि वो शादी के लिए रुकेंगे और जब वो चाहेंगी तभी वो शादी करेंगे। आखिरकार वो दिन आ भी गया जब रिंकू को रियलाइज हो गया कि अब लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। तो 5 फरवरी 2015 में रिंकू ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अमित दत्ता रॉय से शादी कर ली। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि अमित करते क्या है, तो हम आपको बता दें कि अमित ओमान में रहते हैं। जी हाँ, अमित ओमान में रहते हैं। वहीं पेप्सी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर भी हैं। और रिंकू भी उन्हीं के साथ अपने वतन से दूर ओमान में ही रहती हैं। लेकिन जब भी उन्हें यहाँ किसी शूटिंग के सिलसिले में आना रहता है, वो आकर अपना काम खत्म कर वापस ओमान लौट जाती हैं। यकीन है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।